मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस 2023 में सत्ता में वापसी करेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागी विधायक की है, लेकिन कमलनाथ ने बागियों के प्रति कांग्रेस के तेवर साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है। प्रदेश में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में कमलनाथ ने कहा कि पुलिस और कानून अव्यवस्था के कारण ऐसे अपराधियों की हिम्मतें बढ़ रही। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति से जाने से कुछ को होने वाला है, ये एक औपचारिकता पूरी करने की राजनीति हम नहीं करना चाहते। आज सब आदिवासी क्षेत्रों में ये संदेश जाए, और ये संदेश गया है कि आदिवासी विधायक के साथ क्या व्यवहार किया गया, कैसे उसके कपड़े फाड़े, कैसे उसका गला पकड़ा। देखिए।